चिकन सीख कबाब के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि मटेरियल अपना रेडी है और चिकन इसको फैलाया गया है, तो पूरा दिखाता हूँ। और ये रहा भैया चिकन सीख कबाब का मसाला जो कि पूरा लपेट दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ देसी स्टाइल में कैसे लोग बनाते हैं होटल में। तो देखिए दोस्तों कैसे सीख में दोस्तों चिकन को पूरा घुसाया जा रहा है अंदर से, पूरा दिखाता हूँ इस वीडियो में। आज बनेगा सीख कबाब और आपको दिखाते हैं इस पूरा ब्लॉग में कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा पूरा देसी लाइफ स्टाइल में, और देखते हैं कैसा बनता है सीख कबाब। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं चिकन सीख कबाब के लिए। देखिए भैया पहले कोयला तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा आपको इकट्ठा करना है, घर में बनाएंगे तो ये पूरा घर में ही बना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा मटेरियल अपना दोस्तों यहाँ पर मिलाया जा रहा है। और ये देखिए जो बोटी बोटी काटा गया ना यहाँ पर सब चिकन है यहाँ पर। अब इसको सीख कबाब में दोस्तों सीख में लपेटा जाएगा जो आप देखेंगे यूट्यूब पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए मसाला के साथ पूरा लपेटा जा रहा है, यहाँ पर पूरा बढ़िया से पेस्ट पूरा तैयार है। और इसके लिए अलग से पूरा मसाला आया था और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से हमारा इधर बनता है चिकन सीख कबाब। और सीख कबाब तो लोग अलग अलग दोस्तों तरीके से लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुकड़ा कर दिया गया है यहाँ पर, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनेगा। और मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ पर। यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो देखा होगा आपने कि चिकन सीख कबाब बनाते कैसे हैं, तो मैं यूट्यूब पर देख कर ही बना रहा हूँ और कुछ अपने आइडिया से भी बना रहा हूँ और दिखाऊंगा पूरा कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों पूरा इसको जो अच्छे तरीके से पूरा लपेटा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना सारा दोस्तों चिकन, और हम लोग बनाएंगे चिकन सीख कबाब और आप दिखाएंगे पूरा इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। और यहाँ पर देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर तैयार कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला दोस्तों इसका पेस्ट जो है पूरा चिकन में लपेट दिया गया है। अब ये रेडी है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे है और किस तरह के दोस्तों हम लोग पूरा बनाएंगे। कोशिश ये रहेगा घर पर चिकन सीख कबाब अच्छे से बनाए हम लोग। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग पूरा कोयले को तैयार कर रहे हैं। कोयला जब तैयार हो जाएगा दोस्तों, जब हीट हो जाएगा तब जाकर दोस्तों इसको जब हम लोग सेकेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों हम लोग का प्रोसेस चालू है। और ये देखिए यस, अब देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग को चिकन सीख कबाब बनाने के रेडी होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग का चिकन कबाब दोस्तों रेडी होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक एक पीस करके दोस्तों सिक्चे के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मटेरियल डाला था दोस्तों चिकन में, और इसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि आग पर ले जाने के लिए, क्योंकि आग हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जितना बैठता है अब इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग पूरा इसको फिट करेंगे। और फिट करने के बाद दोस्तों इसको तंदूर पर ले जाएंगे, जो खुला वाला तंदूर जो देखा था आपने उसी तंदूर पर ले जाएंगे। और हम लोग इसको सेकाई करेंगे अच्छे तरीके से, इसको बढ़िया से भूनेंगे। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा दोस्तों तब चिकन खाने में मज़ा है, क्योंकि इसका टेस्ट दोस्तों बहुत अलग है। और रही बात ये दोस्तों कि इसका मसाला जो है ना वह इसका अलग है, और इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग लिए हैं ताकि खाने में अच्छा लगे। और अपना देखिए दोस्तों देसी तंदूर यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग पूरा रेडी हो चुका है। अब दोस्तों देर न कर दोस्तों हम लोग को जल्दी से जल्दी दोस्तों चिकन सीख कबाब बनाने की तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग भी हमारा रेडी हो चुका है। और ये रहा दोस्तों अपना रेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब काम चालू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए धीरे 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 अपना सीख कबाब दोस्तों रेडी होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, आपको पसंद आया कि नहीं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तंदूर का कोयले का आग है, और कोयले की आग पर धीमी धीमी आँच पर दोस्तों अपना चिकन सीख कबाब रेडी होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे पकेगा, जब पक जाएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। और भी कुछ है दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा, जो कि सरसों का तेल है। इसको अगर नहीं पक पाएगा ठीक से तो तेल जो गर्म होता है दोस्तों उसको हल्का हल्का जो उसको इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, मतलब लगाएंगे इसके ऊपर, तो पकने में इसको जल्दी सहायता मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना सीख कबाब यहाँ पर रेडी होता जा रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से। और ये रहा भैया अपना सीख कबाब, और देखिए आग भी है और धीमी आंच पे दोस्तों यहाँ पर पूरा पकने का पूरा प्रयास हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि इसको पलटा भी जाएगा, क्योंकि एक तरफ करेंगे तो जल सकता है, और इसको घुमाना पड़ता है चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही तरफ इसको घुमा रोटेट करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे तब जाकर ये धीमे धीमे पकेगा, और उसके बाद इसका स्वाद अनुसार पूरा बढ़ता जाएगा, लजीज भी होगा टेस्टी भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें रखा हुआ है, और ये रहा भैया अपना घुमाना। ये देखिए हल्का हल्का धुआँ भी छोड़ेगा, क्योंकि इसमें तेल भी लपेटा गया है ना, छिड़का गया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा अपना तैयार हो रहा है सीख कबाब, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग पूरा बना रहे हैं, और ये पूरा घर पे बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई होटल नहीं है, लेकिन होटल जैसा पूरा बनाएंगे हम।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल का डब्बा उधर था, और देखिए इसको हल्का हल्का एक एक चम्मच दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे, ताकि जो है मतलब इसके ऊपर लपेटेंगे लगाएंगे, तब जाकर ये और ज़्यादा पकने का ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पकेगा भी, यहाँ पर देखिए हल्का हल्का देखिए दोस्तों पकना चालू हो गया है सीख कबाब। और ये देखिए चिकन देखिए दोस्तों, आँख में खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। और ये बहुत लोग तो गैस से बनाते हैं, लेकिन आग में कोयले का जब आग रहता है ना, तब खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत से लोग मतलब सबका अलग अलग तरीका है दोस्तों बनाने का चिकन सीख कबाब का, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग का भी तरीका सेम है जो हमने यूट्यूब पर देखा था, ये भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अपना चिकन सीख कबाब सेकाई चालू है और रेडी हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि इसको घुमाना भी पड़ता है, इसको बार बार जल न जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम दोस्तों चल चुके हैं बनाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए हम लोग एक साथ, ये देखिए चिकन का जो धुआं होता है ना दोस्तों, ये देखिए उड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे पक रहा है ना, ज़्यादा पकाने का दोस्तों जल जाएगा, ख़राब हो जाएगी। ये देखिए सरसों का तेल इसके ऊपर देखिए लगाया जा रहा है, ताकि जल्दी से गर्म से जो है चिकन पक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई साहब, ये देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक तरीके से दोस्तों हम लोग चिकन सीख कबाब बना रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए धुआं भी छोड़ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि जल भी रहा है ना। और ये देख सकते हैं पूरा तरीके से पकना चालू है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और धुआं ये जो आप देख रहे हैं ना, ये धुआं जो है चिकन का है, ये क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट पूरा महक रहा है, और बहुत ही खुशबू इसका लजीज लग रहा है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी जैसा लग रहा है। तो अगर शायद आपको अगर नज़दीक से अगर आपने कभी इसको टच किया होगा या धुआं इसको एहसास किए होंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए इसको पूरा घुमाना पड़ता है चारों तरफ से, इसको राउंड बाई राउंड, ताकि ये पूरा जल ना जाए। अगर आपको ज़्यादा टेस्टी खाना है तो हल्का से उसको जला दीजिए चिकन कबाब को, और खाने में मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए सीख कबाब दोस्तों अपना देसी स्टाइल में देखिए आप पूरा रेडी हो रहा है, और बहुत ही अच्छा बहुत ही लजीज तरीके से दोस्तों हम लोग पूरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बने तो बहुत मज़ा आए और खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। जो कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों लगे हुए हैं, और एक लोग भाई साहब सीख के अंदर दोस्तों चिकन को डालने में लगे हुए हैं, और हम लोग दोस्तों सेकने में लगे हुए हैं। और वो भी आग जो है ना, कोयले का आग पे सेकना बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है इस पर, चाहे चिकन हो चाहे जो भी कुछ अगर बनाना होगा आग पर, तो कोयले का आग जब रहता है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा खाना अच्छा लगता है बनाने में, और उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है। और जो आप देख रहे हैं दोस्तों हम लोग बनाने का पूरा लगे हुए हैं, और पूरा बनाते हुए हम लोग मेहनत स्ट्रगल जारी है यहाँ पर, और अपना देसी स्टाइल में पूरा अपना बन रहा है, और हम लोग का पूरा रूरल एरिया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके चम्मच के साथ है दोस्तों तेल को जो है चिकन सीख कबाब के ऊपर दोस्तों देखिए पूरा लगाया जा रहा है, ताकि तेल गर्म होता रहे, मतलब तेल इसके ऊपर गर्म होता रहेगा, और आग से तो चिकन जो हल्का फुल्का कच्चा भी रहेगा ना, तो पक जाएगा और टेस्टी भी बना रहेगा। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए हल्का हल्का घुमाना ही पड़ता है, और उसको धुआं जो भाई साहब ने चिकन का जो धुआं है ना जो निकल रहा है ना, बहुत ही अच्छा खुशबू दे रहा है यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए भाई साहब कि हम लोग लगे हुए, तो आप लोग भी दोस्तों ऐसा बनाइए घर पर, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीका है। जाइए और चिकन सीख कबाब का जो है अलग से मसाला मिलता है, वहाँ पर जाइए और ले लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। और ये देखिए जितना हो रहा है दोस्तों हम लोग पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए सामने से देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट दोस्तों बन रहा है सीख कबाब। यहाँ पर देखिए आपको मैं पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको देखकर समझ में आए। और ये देखिए हल्का हल्के आँचों पर दोस्तों, धीमी धीमी आँचे पर दोस्तों ये पूरा कबाब अपना रेडी हो रहा है। और ये देखिए कोयले का आँच की बात ही अलग होता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इसको घुमाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको छोड़ दो जल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा पूरा, तो इसको घुमाना भी पड़ता है। और ये देखिए अपना ख़तरनाक तरीके से दोस्तों पूरा बन रहा है, और पूरा इसको हम लोग घर पे ही बना रहे हैं, तो होटल से भी अच्छा बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा महक रहा है, और खुशबू भी अच्छी तरह से आ रही है। इसका मसाला जो दोस्तों अलग से लेना पड़ता है, अगर जाएंगे मार्केट में आप तो मसाले वाले दुकान के पास, तो आप बोलेंगे कि सीख कबाब चाहिए बनाना है, और उसके लिए अलग से मसाला बना के दीजिए, तो बना के मिल जाएगा, या चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, या तो आप तमाम वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है उससे भी सर्च करके बना सकते हैं, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आएगा यूट्यूब पर देख करके, लेकिन अगर आप जाएँगे अगर उसको दुकान पर जाएँगे ख़रीदेंगे मसाला अलग से, तब जाकर वो मज़ा आएगा।
और उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। यूट्यूब पर आप देख पाएंगे समझ पाएंगे नहीं, उससे अच्छा है कि आप जाइए मार्केट में और इसके लिए अलग से मसाला लीजिए और उसके बाद पकाइए और इसको हल्के हल्के आँचों पर दोस्तों, कोयले के आँच पर दोस्तों इसको पकाइए हल्का हल्का, तो और भी टेस्टी बढ़ता जाएगा और खाने में मज़ा आएगा। और देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर पकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं आपको कुछ करना है, बस थोड़ा सा 2-3 किलो लेना है कोयला और 2-4 किलो का चिकन लीजिए, उसके बाद उसको छोटा छोटा पीस करिए और पीस कटने के बाद उसको थोड़ा देर तक रख दीजिए। फिर उसके बाद चिकन का जो मसाला होता है जो सोस सीख कबाब का, उसका अलग मसाला होता है, उसके अंदर बढ़िया सा फेंटिए और दही लीजिए और सरसों का तेल मिलाकर मिक्स कर कर लीजिए। उसके बाद आप उसको फंसा फंसा कर सीख में जो है उसके बाद सेटअप करिए, देन उसके बाद आप इसको आँच पर हल्की हल्की आँचों पर दोस्तों इसको पकाइए, जैसा कि हम लोग पका रहे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा नहीं कि कच्चा, इसको मीडियम देखना भी पड़ेगा कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो पता चला कि आधा कच हुआ और आधा हुआ आधा नहीं हुआ तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसको देखते भी रहना है, चलाते भी रहिए और घर पे भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसा कि हम लोग पूरा बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये दोस्तों 80% ही हो चुका है, सीख कबाब 80% हो चुका है, बस रह गया 15% और ये हो जाएगा, 20% और आ गया, इसके बाद रेडी हो जाएगा, तब जाकर खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और मज़ा भी आएगा, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो कैसा लग रहा है अपना ये पूरा घर का बनाया हुआ सीख कबाब, तो आप ज़रूर इसको देखकर आप सीख सकते हैं यहाँ पर और आप घर पर भी आप बना सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ दोस्तों ज़्यादातर घर पर ही बनानी चाहिए, उससे नॉलेज मिलता है और बनाने का तरीका भी मिल जाएगा। कहीं भी रहेंगे किधर भी रहेंगे तो इसको आप बना खा सकते हैं, बाहर रहेंगे चाहे किधर भी रहेंगे तो आप देखे रहेंगे, तो आप आराम से इजीली तरीके से दोस्तों आप सीख कबाब घर में बना सकते हैं या किधर भी बना सकते हैं। पार्टी करना होगा पार्टी कर लीजिए, आप आराम से दोस्तों के साथ पार्टी करके आप सीख कबाब बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हल्की हल्की आँच पर दोस्तों यहाँ पर देखिए कोयले की आँच है और हल्की हल्की आँचों पर दोस्तों ये पूरा पक रहा है। यहाँ पर देखिए जो हो गया दोस्तों उसको हम निकाल दे रहे हैं और ये देखिए जो जो नहीं हुआ है उसको हम हल्के हल्के पहले इसको सेक करें बढ़िया से ताकि जो है अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर देख लीजिए, ये लीजिए देख सकते हैं आधा से देख दोस्तों हम लोग सीख कबाब को सेक चुके हैं यहाँ पर और देखिए जो जो हो चुका है दोस्तों उसको टेस्ट मतलब चेक भी करना होता है कि हुआ कि नहीं हुआ। ये आप देखिए यहाँ पर अभी देखिए एक गमला भी और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पूरा सेक देंगे। और ये टोटल दोस्तों लगा एक घंटा नहीं सॉरी आधा घंटा से ऊपर लगा है लमसम, नहीं एक घंटा लग गया है लमसम, और एक घंटे में पूरे हम लोग दोस्तों इसको हम लोग सेक चुके हैं सीख कबाब को जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा जो आग है दोस्तों ये पूरा मीडियम बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है दोस्तों बनाने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो जो हो चुका है दोस्तों हम लोग एक पतीले में दोस्तों इसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इसको खाएंगे हम बाद में। यहाँ पर देखिए अभी इतना बचा हुआ है दोस्तों, तो इसको हम लोग पूरा इसको सेक लेते हैं अच्छे तरीके से, देन उसके बाद जो है इकट्ठा कर खाएंगे और आपको दिखाएँगे भी किस तरीके से बना है ना बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों मज़ा भी आ रहा है, इन्जॉय भी मिल रहा है बनाने में, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय मिल रहा है दोस्तों, जो कि आप अगर आप लोग ऐसा दोस्तों बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा बनाने में। सीख कबाब आप सीख लीजिए यार, सीख कबाब बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं घर पर और पार्टी वगैरह कर सकते हैं आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस पतीली में है ना बात, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो हो चुका है उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अभी जो बचा हुआ है इसको हम लोग पहले सीख में पूरा फंसा रहे हैं, देन उसके बाद इसको भी हल्की हल्की आँचों पर सेकेंगे इसको। और ये वाला टेस्टी ये वाला दोस्तों मसाला अलग है, इसका टेस्ट बहुत ही तगड़ा है क्योंकि इसका मसाला हम लोग अलग लिए थे टेस्टी लिए, तो ये हम लोग स्पेशली अपने लिए लिए ताकि जो है बाकी के लिए दोस्तों अलग था लेकिन इसके लिए अलग ही सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट इसका जो दोस्तों थोड़ा बढ़ चुका है और इसके वजह से दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग अलग इकट्ठा करें। इसको किसी को पता नहीं है ये बात कि भाई साहब ये सीख कबाब अलग से बना हुआ है, मतलब अलग इसका टेस्ट है, अब इसको हम अलग से बनवाए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसाला ही अलग था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना रेडी हो रहा है और ये देखिए बचा हुआ लास्ट बचा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाला इसको हम लोग
इसको पहले टेस्ट करेंगे, खाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है, है ना। बात ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी लजीज चिकन सीख कबाब दोस्तों बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये लेग पीस है इधर इस साइड वाला, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार है ये टेस्टी। टेस्टी लाजवाब।